लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के जरिए बीजेपी को मात देने की कोशिश में कांग्रेस को उस समय तगड़ा झटका लगा जब 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बुरी हार हुई। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं के तीखे बयान सामने आए। इस बीच महाराष्ट्र में सहयोगियों ने कांग्रेस को राहत दी है। शिवसेना, UBT और NCP शरद पवार गुट लगातार कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। चुनाव परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार ने कहा, मुझे नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंडिया अलायंस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। इसकी बैठक में हम परिणामों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। पवार की बेटी और उनके NCP गुट की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा, विधानसभा और लोकसभा चुनाव पूरी तरह से अलग हैं। 2018 में कांग्रेस ने राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन 2019 के लोकसभा में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा। ऐसे लिटमस टेस्ट नहीं होता। आपको याद होगा 19 में राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्य कांग्रेस जीती थी और लोकसभा में कुछ और ही हुआ था। तो मेरे ख्याल से लोकसभा विधानसभा काफी अलग होती है। और उसके बाद 6 महीने के बाद महाराष्ट्र की इलेक्शन आई, उसमें तो NCP को राइट ऑफ किया था, आपने सिंगल डिजिट नंबर हमको दिए थे और सिंगल डिजिट से हम 50 MLA चुन के हमने लाए। तो जैसे लड़ाई होगी उस हिसाब से पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हुआ। उद्धव सेना के नेता संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया होता अगर उसने इन चुनाव में अपने सहयोगियों को साथ लिया होता। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी न केवल लोकसभा चुनाव बल्कि सभी राज्यों के चुनाव एकजुट होकर लड़ने का मुद्दा उठाएगी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के सहयोगियों ने मजबूती से एक साथ रहने का संकल्प चुना है। महाराष्ट्र जिसमें 48 लोकसभा सीटें हैं, जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बाद देश में सीटों के हिसाब से दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य है, ये NDA के लिए आसान नहीं माना जा रहा है, क्योंकि उसकी टक्कर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार वाली NCP और कांग्रेस के साथ होने जा रही है। राज्य से जुड़े पिछले कुछ सर्वे भी सामने आए हैं जहां पर NDA को वैसे नतीजे नहीं मिले जैसे UP, राजस्थान और दूसरे राज्यों में मिलते रहे। महाराष्ट्र में हुई उठापटक से उद्धव ठाकरे और शरद पवार के दल पहले की तुलना में कमजोर हो गए हैं और जानते हैं कि उनकी सर्वश्रेष्ठता उनकी एकता ही है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार का साल 2014 तक महाराष्ट्र की राजनीति में वर्चस्व रहा, लेकिन उसके बाद से पार्टी वहां कमजोर होती गई। शिवसेना और NCP में फूट के बाद अब कांग्रेस महाराष्ट्र के MVA गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, हालांकि अभी तक महाराष्ट्र में तीनों में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है।